यूपी पुलिस जेल वार्डन फायरमैन का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट के बाद इन्होंने दी है ऑफिशियल आंसर की। अब आंसर की आज आई है 9 तारीख को, 9 मार्च को ये आंसर की आई है। अब इसमें क्या है भाई, एक तो किस शिफ्ट में कितने प्रश्नों के एक से ज़्यादा उत्तर इन्होंने सही माने हैं आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। मतलब जैसे आपके 3 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं तो किन शिफ्टों में कितने कितने क्वेश्चन को इन्होंने जो है सही माना है एक से ज़्यादा उत्तर वो समझेंगे। और यहाँ पर न्यूली फील्ड का मतलब क्या है ये भी इन्होंने एक शब्द एक नया शब्द दिया है इसमें, इसका मतलब क्या है इसको भी जानेंगे। चलिए देखते हैं ऑफिशियल आंसर की को क्या चीज़ें और किस तरह से आई हैं और किसको सबसे ज़्यादा यहाँ पर फायदा हो सकता है अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो। है वो भी आंसर देखें। की और कब आई है आप यहाँ पर देख सकते हैं, 9 मार्च 2021 को, मतलब आज ही आई है। क्या है, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए जेल वार्डन फायरमैन पुरुष एवं आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2016 के अंतर्गत 19 दिसंबर और 20 दिसंबर की 2 पालियों में संपन्न ऑफलाइन लिखित परीक्षा के पश्चात बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई प्रश्नों एवं आंसर की उत्तर कुंजी पर प्राप्त ऑनलाइन आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम आंसर की मतलब उत्तर कुंजी प्रदर्शित करने के विषय में। यहाँ पर पहले सूचना देखते हैं क्या भाई, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि पुरुषों एवं महिलाओं के लिए जेल वार्डन फायरमैन पुरुष एवं आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2016 के अंतर्गत दिनांक 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को 2 पालियों में संपन्न ऑफलाइन लिखित परीक्षा के प्रश्नों तथा आंसर की उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 22 दिसंबर को प्रदर्शित की गई थी। दूसरा पॉइंट है, बोर्ड की वेबसाइट पर 22 दिसंबर को प्रदर्शित की गई प्रश्नों तथा आंसर की पर अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित की गई आपत्तियों का बोर्ड स्तर पर निस्तारण करने के बाद अंतिम आंसर की उत्तर कुंजी को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है। अब यहाँ पर ये आंसर की है, देखिए कहाँ की है, ये है 19 दिसंबर की और 10 से 12 बजे का पेपर और ये जो ए सेट था उसमें। तो देखिए चाहे ए सेट हो या बी सेट हो या सी सेट हो या डी सेट हो, यहाँ पर एक पाली में अगर आंसरों की बात करें एक से ज़्यादा है अगर किसी एक में है, मतलब ए सेट में है तो उतने ही सेट बी में मिलेंगे, उतने ही सेट सी में, उतने ही डी में। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा उत्तर की बात करें तो 2 प्रश्न ऐसे हैं जिनके एक से ज़्यादा उत्तर यहाँ पर, जो पहला पेपर था आपका 19 दिसंबर का जो पेपर था और जो सुबह 10 बजे का पेपर था, उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके इन्होंने एक से ज़्यादा उत्तर माने हैं। एक क्वेश्चन को इन्होंने न्यूली फील्ड माना है, इसका मतलब है कि उस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो एक क्वेश्चन हटा दिया गया है और 2 क्वेश्चनों के इन्होंने एक से ज़्यादा उत्तरों को सही माना है। देखिए ये स्थिति बिल्कुल आपको मिलेगी बी में। देखिए बी में अगर देखें तो यहाँ पर दो जो है क्वेश्चन ये एक से ज़्यादा वाले और यहाँ पर एक क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया है। तो ये पहले शिफ्ट में सभी जगह चारों ही पेपरों में इस तरह से मिलेगा, चारों ही सेट में। अब आते हैं हम 19 तारीख के दूसरे पेपर पर। दूसरा पेपर 2 से 4 बजे तक रहा, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके एक से ज़्यादा विकल्प सही हो, लेकिन गलत कई हैं यहाँ पर। गलत कितने हैं देख सकते हैं, एक दो, दो के बाद आप यहाँ आ जाइए, अब देखिए 3 4 5, कुल मिलाकर सेकंड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन गलत हैं। सेकंड शिफ्ट में 5 क्वेश्चनों को निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है एक तरह से। तो ये 5 क्वेश्चन जो है सेकंड शिफ्ट में रहे हैं। अब आते हैं हम आपके 20 तारीख के पेपर पर। 20 तारीख के पेपर पर आ जाइए आप, तो 20 तारीख का पेपर अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक से ज़्यादा प्रश्न जो है वो, मतलब ऐसा कोई उत्तर नहीं है जिसके एक से ज़्यादा उत्तर इन्होंने सही माने हों, ऐसा कोई प्रश्न नहीं, लेकिन 4 प्रश्नों को इन्होंने यहाँ पर भी निरस्त कर दिया है। चारों आपके सामने हैं, देखिए यहाँ पर 97 98 102 और 109 प्रश्नों को यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। यही स्थिति मिलेगी आपको चाहे आप ए सीट देखो, चाहे बी सीट देखो, चाहे सी या डी। और लास्ट में जो शाम वाला पेपर था उसकी तरफ चलते हैं। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये शाम वाला पेपर है 20 तारीख का। यहाँ पर क्या स्थिति है, यहाँ पर भी देखें आप देख सकते हैं, ये 2 क्वेश्चनों के तो इन्होंने एक से ज़्यादा उत्तरों को सही माना है, मतलब ए बी 192 और 104 को, और 95 97 और 107, ये 3 क्वेश्चनों को इन्होंने
निरस्त किया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर स्थिति यही है कि लगभग हर पेपर में, अगर हर पेपर में मतलब चार से पाँच क्वेश्चन या तो ऐसे रहे हैं उनमें कुछ क्वेश्चन जिनके एक से ज़्यादा आंसर हैं, या फिर जो है उनमें कई क्वेश्चनों को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर जो लाभ मिलने वाली बात है, देखो बहुत ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग स्थिति सामान्य सी है। फिर भी अगर सबसे ज़्यादा लाभ वाली स्थिति में रहने की उम्मीद करी जा सकती है, जब नंबर आएंगे तब पता लगेगा सही तो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उम्मीद की करें आप, वो 19 तारीख के पहले पेपर के बारे में कर सकते हैं कि इन बच्चों को सबसे ज़्यादा जो नंबरों का फ़ायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में, इनको होगा। आपको क्या लगता है कि किनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपके इस आंसर की से क्या स्थिति बन रही है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हालांकि अब रिजल्ट आ चुका है और स्थिति चाहे जो भी बने, लेकिन रिजल्ट अब आगे कार्रवाई उसी रिजल्ट के आधार पर बनेगी। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।